नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं ऋषि कुमार पाठक। आज बरापुर विधानसभा सीट से दावर नेता के उपस्थिति के अनुसार आज इनसे हम बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, बरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा क्या है और किस मुद्दों के साथ ये जनता के बीच अपनी सेवा समर्पित करें। सर, आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा है शिक्षा का विकास, उन्नत शिक्षा, उच्च क्लास की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और किसानों को सही मूल्य मिलना और नौजवानों के लिए रोजी रोजगार। मुख्य ये चार मुद्दे हमारे हैं और इन्हीं चार मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इन चारों का कंसेप्ट मेरे पास है कि हम कैसे इन चारों को बेहतर करेंगे, क्योंकि उसमें रोजी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और ये भी मेरे पास में हम कंसेप्ट है कि हम कैसे नौजवानों के पास साथ रोजी रोजगार से भी जोड़ेंगे। तो ये चार मुद्दों पर हम क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, अगर आप जीत के जाते हैं विधानसभा में तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा युवा और किसानों का? फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ किसानों की बात कीजिएगा। किसानों की आप पूछ रहे हैं तो किसानों के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है जिससे उनकी आय बढ़े, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना। क्योंकि किसानों के पास सबसे अगर समस्या है तो उनके पास में मैंने भंडारण की क्षमता व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते उनका आलू प्याज टमाटर औने पौने दाम में, यानी कि एक तरह से कहिए तो मैंने एकदम रद्दी जैसे सामान कीमत में बेचना पड़ता है। अगर ये भंडारण की व्यवस्था रहे तो ये सब सारी चीज़ें ये कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, जितना सही मूल्य मिलेगा तब वो मार्केट को देंगे, तो इस तरह से किसानों के पास मैंने इनकम रहेगा, किसानों का इनकम बढ़ेगा, जो आज इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी एक भी नहीं है। जो सरकार की तरफ कोई इसकी व्यवस्था कर दे, सरकार केवल घोषणा कर देगी किसानों की आय चौगुनी हो जाएगी, तो इसे चौगुनी नहीं हो, चौगुनी करने के लिए उसकी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेन है कि बिजली पानी खाद और बीज ये सब समय से मिले और किसानों के भंडारण की व्यवस्था हो, ये मेरे लिए मुख्य चीज़ है। क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से हैं तो हम किसानों की वेदना भी समझते हैं। हम एक ऐसे परिवार से हैं कि सैनिक भी मेरे परिवार में है तो सेना की भी संवेदना समझते हैं। हम एक ऐसे परिवार से हैं कि जहाँ पर मैंने विधायक मैंने इस तरह का व्यवस्था जो है कानूनी व्यवस्था की भी हमारे परिवार से है, कि ऐसे प्रशासनिक में भी रहे हमारे भाई हैं तो वो भी हम समझते हैं कि हर समाज की क्या व्यथा है, क्या मजबूरियाँ है और कैसे बेहतर किया जाए। तो हम अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सोच करके और इस क्षेत्र के चुनाव मैदान में हैं और जनता का सम्मान और आदर मिल रहा है और जरूर जनता हमें जीत रहेगी, इतना तो हम विश्वास करते हैं। सर, इस बार के चुनावी माहौल में आपकी उठा पटक किससे हो सकती है? देखिए, ऐसे तो मुख्य हमारे प्रतिद्वंद्वी शंभू यादव हैं, वर्तमान जो विधायक हैं वही मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं।